Hello everyone. Good evening, good evening, good evening, my dear children. How are you doing, everybody? This is Dr. Vani, and on behalf of Vedanta Biophonic, I welcome all of you to today's Board and NEET revision camp for class 11th, and today's topic is the biological classification. How are you doing, everybody? Kaise ho aap log? Are you doing good? Biology love koi mil chuke hai hame yaha. Yes, good evening. So good to see you all. Amazing. Awesome. Kal hum 10 o'clock karne wale hain cheat sheets, and tomorrow morning we have 90 questions on graphs, 90 questions on equations, and 90 questions on diagrams. Tomorrow morning we're again going to be meeting sharp at 7 o'clock for these super awesome 90 questions. Yes, everyone. Perfecto, giletto, biletto. Chaliye shuru karte hain aaj ki class. To kal hum karne wale hain 90 questions. On कल हम कितने बजे मिलने वाले हैं आपको पता है? Tomorrow we are going to be meeting sharp at 7. Yes, you got it right, 7 in the morning. And we are going to be doing, today's your birthday, Nandana. We wish you a very happy birthday, my dear child, Nandana. Tomorrow 7 o'clock in the morning, 90 questions on graphs, equations and diagrams. Amazing, isn't it? Yes. और कल हम 10 o'clock मिलने वाले हैं cheat sheets के लिए. Did you see the exam day guidelines? पक्का, promise? Did you all see the exam day guidelines? नहीं देखा तो please make sure you see it now. All your questions regarding the size of the photograph, all your questions regarding जितनी भी problems हैं आपको, you know, regarding photograph, dress code, whether you can wear a hijab or not, whether you what are the kinds of clothes that you can wear, what is the size of the photograph that you can take, what is this pen that you can take, all of this happened today. Cool. चलो लेट्स गेट गोइंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. हैव यू ऑलरेडी नहीं किया तो मेक श्योर दैट यू लाइक, मेक श्योर दैट यू शेयर, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब. कैन यू हिट द लाइक बटन राइट नाउ? कर दीजिए वन लाइक फॉर योर बिलवड वाणी मैम. कितने दिन बचे हैं? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. या यू विल बी गॉन. डोंट वरी, वी विल ब्रिंग समथिंग सुपर अमेजिंग फॉर यू राइट, एंड यू विल नॉट बी गॉन. चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का सुपर अमेजिंग सेशन को आगे बढ़ाते हैं. चलिए, सो आई होप आप सबने हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया है, वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक. इफ नॉट, डू 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 ज्वाइन इट. एंड गाइस, वन ऑफ देम ऑन द वॉल ऑफ द फेम इज गोइंग टू कम एंड सी यू वन ऑफ दीज डेज. सो मेक श्योर नेक्स्ट ईयर यू गाइस कम. सो आई वॉन्ट यू टू मेक श्योर दैट यू लाइक, यू शेयर, यू सब्सक्राइब एंड डू सी द लेक्चर ऑन एडमिट कार्ड. सेशन का पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगा. 11th और 12th में अगर आप हैं और आप हमारे सुपर ऑसम लॉन्ग टर्म कोर्सेज में, यू हैव अनलिमिटेड लाइव एक्सेस, पीसीएमबी फ्रॉम द कंफर्ट्स ऑफ योर ओन होम ऑन एनी डिवाइस, और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो कोर्सेज जो हर सब्जेक्ट के चलते हैं, यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ देम. सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अ प्रो सब्सक्रिप्शन, वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक. दैट्स द प्लेस, दैट्स द यूट्यूब चैनल. और आपको जाना है vdnt.in/ytpro पे, और वीडी प्रो कोड क्लिक करके 75 रुपीज पर डे ओनली में यू हैव टू टेक द लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन राइट. KVPY का जो क्रैश कोर्स है वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंटरी है. शुरू करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. एक बहुत ट्रिकी किस्म का चैप्टर है. डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूँगी, बट मुश्किल है याद रखना. दैट्स द पॉइंट. यस, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर 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 कर लीजिएगा. इशिता कह रही है मैम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इशिता की बात मान ली हमने और कर देते हैं फुल स्क्रीन. बता देते हैं आपको कोड 2857713 इज द कोड. आई रिपीट द कोड फॉर एवरीवन, 2857713. चलिए, वेयर इज स्मार्ट बोर्ड? स्मार्ट बोर्ड बेचारा किडनैप हो गया, घूमने निकला हुआ था, बात नहीं मान रहा था, बड़ी पिटाई करी थी उसकी, तो गुस्सा हो गया. गुस्सा होकर घर से निकल गया. निकला तो रास्ते में किडनैप हो गया. लोगों ने कहा ये वी बायोटॉनिक का ग्रीन या वाइट बोर्ड है. तो उसने कहा हाँ, क्या आप वही वाइट बोर्ड हो जिसपे 5 या 6 हज़ार बच्चे लाइव लेक्चर देते हैं? खुश हो गया, कहता हाँ हाँ मैं वही वाइट बोर्ड हूँ. तो किसी ने किडनैप कर लिया. What to do? बेचारा अब मुझसे रैंसम मांग रहे हैं और रैंसम में बोल रहे हैं कि अराउंड 4,70,000 सब्सक्राइबर्स दोगे तो मिलेंगे. तो मैंने कहा मेरे तो 4,60,000 सब्सक्राइबर्स हैं पर मैं इनको जाने नहीं दे सकती ना. तो कहते नहीं, हमें 457,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए. तो कह रहे चैनल दे दो और वाइट बोर्ड ले जाओ. मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आप वाइट बोर्ड रख लो पर चैनल तो मैं नहीं दूंगी. तो ये बात है. यस,
अब मैंने कल तक परसों तक सोचा आपको कहानी क्या सुनाऊं, बट यही बात है, इसीलिए घमंड कभी नहीं करना चाहिए। मैंने थोड़ी सी पिटाई की, बड़ा गुस्सा हो गया, कहता मैं जा रहा हूँ, आप तो मेरी पिटाई करते रहते हो। वैसे भी थोड़ा घमंडी हो गया था, उसको लग रहा था बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं सुबह भी और शाम को भी, तो गलत ऑप्शंस देने लग गया था, है ना। घमंड कभी नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू, यू सी। तो घमंडी होकर चला गया घर से, रास्ते में किडनैप हो गया, क्या करे। यस, तो ये थी बेचारे व्हाइट बोर्ड की कहानी। हाउ डिड यू लाइक इट? यस, अब बोलोगे वानी मैम आपके स्टोरी टेलिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं ये बोलूँगी यार वो तो घमंडी नहीं होना चाहिए, पर क्या करें, स्टोरी टेलिंग स्किल्स हैं तो हैं। यस, कर दो फिर इरशाद इरशाद। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सुपर अमेजिंग बेचारा व्हाइट बोर्ड, है ना। कम ऑन 2022, अब 2022 वाले तो हमारे वी बायोटॉनिक के बच्चे हैं ना, क्या कहते हो, येस और नो? 2022 वाले तो वी बायोटॉनिक के स्वीट से बच्चे हैं, तो स्वीट से बच्चों के लिए एक स्वीट सी स्टोरी तो बनती है। यस एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं, स्टार्टिंग द काउंटडाउन इन 5, 4, 3। और अब तो सबसे मजेदार, दो तीन चैनल्स हैं, एक है वानी मैम फैन क्लब, एक है वी बायोटॉनिक फैन क्लब। बस क्या है व्हाइट बोर्ड की सनसनी भरी कहानी, ये होगी हेडिंग और देख लीजिएगा ये आज वीडियो वायरल होने वाला है। यस, हेडिंग होगी वानी मैम का व्हाइट बोर्ड किडनैप हुआ, देश भर में लोग ढूंढने के लिए निकले घर से बेघर। यस, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ। वेरी गुड, ग्राम नेगेटिव सेल्स stain pink is, have you heard of something called peptidoglycan and lipopolysaccharides? So gram positive are purple colored cells, whereas a gram negative are pinkish saccharin. Crystal violet is gram positive, pinkish is gram negative. What is it, bata dijiye? Gram negative cells stain pink because they have specialized lipids, their peptidoglycan layer is thin, their peptidoglycan layer is thick. They are receptive to antibiotics. There was a scientist whose name was Hans Christian Gram. It is because of Hans Christian Gram that gram staining was identified, and we could identify bacteria at two levels, gram positive and gram negative. Remember, every second year, one question will come from gram staining. The gram negative bacteria have lipopolysaccharides and a thin peptidoglycan layer. So the peptidoglycan layer is very, very thin. On your screens, next question. Question number 2 on your screens from biological classification. Please fill the OMR. An organism having cytoplasm, DNA and RNA, but no cell wall is. Cyanobacterium. Mycoplasma or pleuropneumonia-like organism, bacterium or virus. Cell wall nahi hai, DNA hai, RNA hai, in cytoplasm hai. Bata dijiye, please tell me the answer. Arshita, Mariam, Yashasvi, well done. Very well done. Very well done. Answer has to be mycoplasma. Very good. Pleural pneumonia like organism, mycoplasma. That is why maine ispe hint bhi di thi. Biological classification ke do questions clean sweep with a bulldozer. Yes, question number 3 on your screens, please. During the evolution of eukaryotes from prokaryotes, which of the following did not occur? U from pro. Infolding of the flexible cell membrane, loss of the cell wall did not occur, a switch from aerobic to anaerobic, endosymbiosis of once free living prokaryotes. Bataiye. Did not occur. Very good. A switch from aerobic to anaerobic, nahi ulta, a switch from anaerobic, because you could have certain archaea bacteria which are anaerobic. So jab ye switch hua, it is happening from a switch from
एरोबिक टू एनारोबिक नहीं है, इट इज अ स्विच विच इज अकरिंग फ्रॉम, बताइए प्लीज, एरोबिक टू एनारोबिक या एनारोबिक टू एरोबिक? इट इज एनारोबिक टू एरोबिक. एक्सलेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. प्लीज अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस, थिंक बिफोर यू इंक. वेरी गुड. अगला सवाल, अ टूथ स्क्रेपिंग यील्ड्स लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्क स्क्रू शेप्ड बैक्टीरिया. दीज बैक्टीरिया आर रेफर टू एज वॉट? Bacilli, cocci, spirulli, helici. Corkscrew. Very good, Anisur, Nina, Sukanya, Pranjal, Shweta. And jitne bhi bacche mere purane hain yahan par, I don't want anybody coming back. Mujhe ek bhi bachcha wapas nahi chahiye. Sare bachcho ki seat aa jaye. Come on, 2022, such an amazing time to revise. Spiral, Treponema palladium. Spiral. Very, very well done. Next question on the screens, please. Very well done. Pseudomycelium is characteristic feature of. Pseudomycelium. Pseudomycelium is characteristic feature of mushrooms. Pseudofalls, mucor, come on, 2022 answer karo. 2020 or 2021 to clean bowl kar dega. Bacho, mushroom, mucor, bread mold, fungus hai. Right? Basidiomycetes, ascomycetes, zygomycetes, phycomycetes, deuteromycetes. Mycelium hota hai. They are asking you to tell what is pseudo or false mycelium. Pseudo or false mycelium is a characteristic feature of yeast. Yeast, right? Agla sawal. Mere pyare bachcho, agla sawal. On your screens, read the following statements and answer the questions given below. Which are the following class of protista? Biological classification, monera khatam hota hai, protista pe aage badhte hain. Is being described by the above statements. They are saprophytic. Under suitable conditions, they form an aggregation class plasmodium which may grow and spread over several feet. During unfavorable conditions, the plasmodium differentiates and forms fruiting bodies bearing spores at their tips. Bathai. Very good. Answer will be slime molds. हम किसकी बात कर रहे हैं? स्लाइम मोल्ड्स की बात कर रहे हैं. इज इट क्लियर एवरीवन? वी आर टॉकिंग अबाउट स्लाइम मोल्ड्स. वेरी वेल डन, वेरी वेल डन. किसकी बात कर रहे हैं? स्लाइम मोल्ड्स. वेरी वेल डन. अच्छा, आपको एक बात बताऊं, कितने बच्चे यहाँ जो जिनके पेरेंट्स आयुर्वेद में हैं या दे आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ करियर इन आयुर्वेद? इज देयर एनीबडी हु ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस? एनीबडी हु वांट्स टू डू नर्सिंग, जस्ट रेज योर हैंड्स. Anybody wants to be a cardiologist, nephrologist, urologist? Anybody wants to do USMLE and go to US? Anybody wants to become a dentist? Anybody who's there who wants to do pharmacology, physiotherapy? Anybody wants to do teaching like us at Vedantu? Anybody who wants to study from the Delhi University? Yes? Do you sometimes feel, 11th, 12th especially for you, 13th more especially for you, do you feel that you want to talk to these people to get an idea? Nasreen, that's the sweetest thing somebody has said. AFMC, do you want to talk to somebody who's given interview to Dr. Madhuri Kanatkar, who's the Dean of AFMC? Do you want to talk to somebody who's given an interview to Dr. Madhuri Kanatkar, who's the Dean of AFMC? Yes? Very nice. Yes, I am, Robin, I am. So just stay tuned. That's why I'm telling you again and again, are you subscribing? Have you all subscribed to We Biotonic? Have you all become a part of We Biotonic? Pakka promise.
क्वेश्चन नंबर 7 of 25. Locomotory structures are absent in what? Absent. That means there are no locomotory structures. Sporozoans, ciliates, zooflagellates, rhizopods. Sporozoans, ciliates, zooflagellates, rhizopods. Absent. Absent. Very good. Beta G, sporozoans, rhizopoda to hai. Pseudopodia, rhizopodia, zooflagella, cilia. Right, everyone? Sporozoans. Very important. Question number 8 on your screens. Have you all made sure that you've liked, shared and subscribed to our super awesome channel? Yes? Chaliye agle sawal pe. Black water fever is caused by black water fever. On your screens, please. Plasmodium malariae, P. ovule, P. falciparum, P. vivax. Very, very good. Excellent. It's caused by P. falciparum. Very good. Next question. And also remember, it causes cerebral malaria, which is one of the most dangerous malaria. Contractile vacuoles of paramecium are analogous to. Contractile vacuole, they maintain osmoregulation. Sweat glands of mammals, uriniferous tubules, gastrovascular cavity of hydra, typhlosol of earthworm. Batao. Very nice. Contractile vacuole of paramecium are analogous to uriniferous tubules. What do the uriniferous tubules do? Sweat glands don't do water regulation. They are excretory structures. Contractile vacuole is for osmoregulation. Typhlosol of earthworm is for the digestive system. It increases the surface area. Gastrovascular cavity is the digestive system. Contractile vacuole is meant for osmoregulation. Osmoregulation ke liye. Did you understand? Agla sawal. No mistakes, Biotonians. Next question on your screens, please. Nutritionally, bacteria kya hote hain? Autotrophic? Symbiotic? Parasitic? All the above. Nutritionally. No, Sanya. I have Robin, Gaurav, Sanya, Akanksha, Narayan, Anamika. Anamika, that's coming tomorrow. Nutritionally, bacteria are autotrophic, symbiotic, parasitic, all the above. Very, very good. Autotrophic hai? Yes. Symbiotic hai? Parasitic hai? Bacteria are all the above. Right, Mansha? Nashra, Veronica. Very, very good. Chali agle sawal pe. Blue-green algae. Cyanobacteria. Autotrophic hai? Chemo-autotrophic hai? Heterotrophic hai? Saprotrophic hai? Hot temperatures pe kaun sa? I'm not naming the options. Thermo is heat, Philly is to love. Yes? We will do that, Shubhanjali. Hot temperatures, thermo, meso is average. Right, Pradeep, Chanchal, Nishat, come on, quick. And aap ye zarur yaad rakhiyega that we are soon going to do many more MCQs. Ho sakta hai time ko thoda kam kiya jaye so that you can do more and more MCQs. Right? Hot.
वेरी गुड. थर्मो थर्मोफिलस एक्वेटिकस थर्मस एक्वेटिकस हाई टेम्परेचर वेरी वेल डन. बढ़ाइए स्पीड. अगला सवाल. हाफ वे मार्क पे पहुंच चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. इफ द जनरेशन ऑफ अ बैक्टीरियम इज 40 मिनट्स इफ द जनरेशन टाइम ऑफ अ बैक्टीरिया 40 मिनट्स में डबल होता है. कल्चर कंटेनिंग 10 रेज टू पावर 7 सेल्स पर एमएल इज ग्रोन फॉर 4 आवर्स. 4 आवर्स में कितने 40 मिनट्स होंगे. कैलकुलेट इट्स पॉपुलेशन आफ्टर दैट टाइम पीरियड. वॉट इज द आंसर. एलिंगॉन यू आंसर वेल. प्रदीप गौरव चूबा अमान पुनीता कम ऑन एवरी वन. If the generation time of a bacteria is 40 minutes, it doubles up in 40 minutes. Answer is going to be 64 into 10 raised to power 7. Yes, everyone. It is going to double up in 40 minutes. So answer kya hoga? Come on, very well done. Halfway jayega na? Halfway ke baad to double hoke full hoga cup wala. Jab ek baar half ho gaya, half ke baad double up. Right? It's going to reach the halfway mark and after that it's going to double up. Smallest virus is. Right, Tasneem? Smallest. Rathod, were you able to answer? Smallest foot and mouth virus, alpha mosaic virus, pseudomonas, TMV. Chali. Smallest. Is it Chibaco mosaic virus, Pseudomonas, alpha alpha mosaic virus, foot and mouth virus? Tobacco mosaic virus nahi hai. Yes, foot and mouth virus. Robin, that we care team will tell you foot and mouth virus. गाइज ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है इसमें ही आप लोग जल्दी जल्दबाजी. दे टॉकिंग अबाउट ऑल द वायरस नॉट ओनली द प्लांट वायरसेस. टॉकिंग अबाउट ऑल द वायरसेस. क्वेश्चन नंबर 14. ऑपोजिट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के यही जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आप गलती कर बैठते हो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर बोथ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया. दोनों के लिए करेक्ट चाहिए. ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया दोनों के लिए मुझे करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए. दोनों के लिए करेक्ट. चलिए बोथ शो एनरोबिक रेस्पिरेशन बोथ हैव क्लोरोफिल पिगमेंट बोथ आर डिवॉइड ऑफ ट्रू न्यूक्लियस नन ऑफ द अबव. वेरी गुड. एनरोबिक कैसे है बेटा. बोथ आर डिवॉइड ऑफ ट्रू न्यूक्लियस. ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ मिसनोमर. गलत है. द रियल नेम इज साइनोबैक्टीरिया. चलिए अगले सवाल पे. मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. Chrysophytes, Chrysophyta, Sakshi, we will have experts to talk about that. Diya, what is the confusion? Chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, protozoans. Come on. Everyone, codes ka correct answer bataiye. Very well done. Ab lag raha hai na, the kids are working hard. Very well done. Very, very well done. Question number 16. But good speed, guys. Within half an hour, you are able to solve all the questions. Very good speed. Five kingdom classification. Which single kingdom out of which can include blue-green algae? Yaar, ye toh itna easy hai. Itna easy hai. Nitrogen fixing bacteria, methanogenic archaea bacteria. ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी है. इज इट एन एल्गी इज इट अ मिसनोमर व्हाट इज इट.
Free technology, I have a batch which is running, my dear child. Monera fungi plantae protista. Excellent. Monera. Bacteria hai sare. Nasreen. Oh yes, Taiba Akhtar. How are you, Taiba? Read the following statements and answer the question. Which of the following class of fungi is being described by the above statements? Ye charo kiske liye? Dekho yaar, alternaria se answer nikal aayega. Alternaria. Coleotrichum. Trichoderma. Mycelium septate hai. Right? Trichoderma. Agar aapko examples hi pata hai, jo aapko pata hone chahiye, you will easily be able to come out with an answer. Saprophytes hote hain. Yes. Fungus. Very good. Deuteromycetes. Deuteromycetes. Very well done. Chaliye agle sawal pe. Yes. Very good. By seeing example, you are able to answer it. Imperfectly perfect. That's what I was reading. Yes. Excellent. Very good, Taiba. Very good, Vikas. Which one of the following pairs is not correctly matched? Not. Anabina cyanobacteria. Amoeba protozoa. Gonolucas dinoflagellates. Albugo chrysophytes. Albugo. Mascot Pratiksha, Shreya, Nikita. And you know your batch. Your seniors of 2020 batch are going to make you so proud by doing so well in the exam. You also have to do well. Albugo is chrysophyta. Lovely. Agla sawal. LPP1 is a. What is LPP1? This is a very easy question. Bacterium? Fungus? Bataiye. Bacteriophage, LPP1, kya hota hai? Agar main naam de dun, strain LPP1. Agar main bolun kuch BGA se related ho sakta hai. Yes. It is a cyanophage. Maine aapko hint bhi di, blue green. It's a bacteriophage which attacks blue green algae. It is a bacteriophage. It attacks blue green algae. The name is LPP1 Ames question. That's why I've added it. BGA, I told you BGA. Chaliye. अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा. Which one of the following funguses are edible? Edible. Edible. बताइए. Edible fungus. You can eat them. Obviously. अब बोलोगे वाणी मैम क्या बोल रहे हो. यस एडिबल बताइए. अगैरिकस मोर्शेला. अब ये तो बड़ा इजी द लेमन स्क्वीजी है. ऑल द अबव. अगैरिकस को खाते हैं, मोर्शेला को खाते हैं. तो अगर आपको ये दोनों ऑप्शंस आते थे आपको पता चल जाएगा अगैरिकस और मोर्शेला दोनों को खाते हैं. यस yes? Enveloped virus infects, enters the host cell through. So enveloped virus, okay. Because that's a very good option. I already have children who are doing this. I already have students who've done MBBS, who are preparing for IAS. Some of them have cleared IAS. Chaliye. Enveloped virus infects or enters host cells through
कैसे एंटर करेगा? यस, वेरी गुड. इंजेक्टिंग न्यूक्लिक एसिड, जिसका इन्वेलप होगा. इन्वेलप तो कभी एंटर नहीं करता, दैट रिमेन्स आउटसाइड. सो ओनली द डीएनए और द आरएनए एंटर्स, विच इट इंजेक्ट्स इनसाइड. यस, अगला सवाल. चलिए, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका विच कॉजेज अमीबियासिस और अमीबिक लूज मोशंस विच इन विच ब्लड एंड स्टूल्स बोथ कम आउट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस अपराजिता, ट्रोफोजॉइट, प्रीसिस्ट, यूनिन्यूक्लिएट, टेट्रान्यूक्लिएट, बताइए प्लीज. ट्रोफोजॉइट, प्रीसिस्ट, यूनिन्यूक्लिएट, टेट्रान्यूक्लिएट. ट्रोफोजॉइट नहीं है बेटा. एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को हमेशा टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट, राइट? ट्रोफोजॉइटिक फॉर्म्स नहीं है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की बात कर रहे हैं. यस एवरीवन, आंसर इज डी 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 डी. और जितने बच्चे प्रो मेंबरशिप के लिए पूछ रहे हैं, आई हैव अ लॉन्ग टर्म 11th और लॉन्ग टर्म 12th. अगर आप वीडी प्रो कोड लगाते हो और जाके अपने सैम को बोलते हो कि वानी मैम के बैच में आना है, तो मेरे बैच में बहुत स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं. यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ माई लॉन्ग टर्म बैचेस. यो, अगला सवाल. चलिए, आर्के डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन विच आर्के ओल्ड. यस, नो श्रेया, यू विल डू वेल. आर्के यू, दे हैव अ रिजिड सेल वॉल. आर्किया, देयर सेल वॉल लैक्स पेप्टिडोग्लाइकन. दे हैव 16S राइबोसोमल आरएनए. दे आर वेरी एंशियंट, बताइए. वेरी एंशियंट. आर्के ओल्डेस्ट, देयर सेल वॉल लैक्स पेप्टिडोग्लाइकन कॉम्पोनेंट. इट्स एन ओल्डर सेल वॉल, राइट? आर्के बैक्टीरिया में आते हैं मिथेनोफिलस, मिथाइलोट्रोपस, रूमेनोकोकस, थर्मस एक्वेटिकस, ये सारे आर्के बैक्टीरिया में आते हैं. दिव्यांशी वेलकम, आई एम श्योर थाउजेंड्स ऑफ यू आर ब्रांड न्यू टू आर चैनल, बट आई होप यू आर लाइकिंग द वे बिकॉज वी हैव नियरली रीच द हाफ वे मार्क for class 11th and 12th along with 2020 which is exam going. So we have this class every day. Every day 9 PM hai class 12th, every day 5 PM hai class 11th aur agle kuch din subah ki classes hai 2020. Chaliye. Thank you Prajita. Which of the following statements is not correct for viruses? Viruses are obligate parasites. Viruses can multiply only when they are inside the living cells. Viruses cannot pass through bacterial filters. Viruses are made up of protein and DNA or RNA. Never both DNA and RNA. Not correct. Viruses cannot pass through bacterial filters. They can pass through. इसलिए तो mask N4595 क्यों कह रहे हैं? Because virus pass हो जाता है पतले mask के बीच में से, right? And biological classification के questions का level देख रहे हो? तो like, share, subscribe कौन करेगा? Before we move on to the last question, every single one who still not subscribed to the channel, make sure you become a part of We Biotonic right now. India's most trusted, most loved bio channel. Make sure you become a part. And here is question number 25. One like on the screen, on your screen space. Come on. Ergot means ergot. Claviceps purpura. Penicillium notatum. Awesome guys. Aspergillus niger. Rhizobium. Bataye. Tell me the answer to this particular question right now. Who causes ergot? Claviceps, Penicillium, Aspergillus, Rhizobium. On your screens, please. And here we come on to the last question for the day. What a super cool answering by my children. Super cool answering by my children today.
Yo, the answer has to be claviceps purpura. Yes, ergotamines. Afu, 1 quintal tons of chocolate for you, my dearest Afu. Nupur, 13 September ko bhi smile hoga. Bilkul, inshallah. Till to you, Rishabh Snehita. And we have Mahita, Apoorva, Simran, and Ujjwal. Amazingly well answered. Each one of you is very special to be Biotonic. Lots of love. I will see you sharp at 9 for sexual reproduction and flowering plants. Till then, take care. Tomorrow morning, 7 o'clock, 90 questions on graphs, 90 questions on diagrams, 90 questions on equations. Right? Take care. Aman gang, Chunumunu gang, bye-bye. Take care. Tomorrow morning, 7, today evening, 9 on sexual reproduction and flowering plants. That's all for today. Bye. Don't forget to like, share, subscribe. Bye.